इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने अपनी ग्रंथियों में चार बोले थे, हमने बोला एक चार नहीं, हम मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। हमने अगले सत्र से जो दो महीने बाद शुरू होने जा रहा है एकेडमिक सेशन से, फर्स्ट क्लास पे इंग्लिश भी शुरुआत कर दी, और जो ड्रेस चुनने की जो हमने ड्रेस चुनने की जो पावर है वो भी हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल को दी। और अब हम जब तक टीचर नहीं आता है तो पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, वो मेरिट बेस पर होगा और वो सिर्फ तब तक होगा जब तक वहाँ टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती। अब टीचरों की जो नियुक्ति होनी है उसको हमने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी से उनकी कमीशन के थ्रू उनकी नियुक्ति करें। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रदेश 17वें स्थान पर पहुंच गया दूसरे स्थान से इनके समय में, उस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लाए, जैसे कि सेंट्रल स्कूल में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है। कॉलेज में सिर्फ वही व्यक्ति लगेगा जो नेट सेट क्वालिफाई होगा, JRF होगा, ओनली पीरियड पर, कोई भर्ती ऐसे नहीं होगी। भर्तियां सारी कमीशन के थ्रू होगी, लेकिन जहां स्कूल खाली है एकदम भर्ती नहीं हो सकती, वहां पीरियड बेस्ड पॉलिसी लाए। तो हम नई योजनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने अपनी ग्रंथियों में चार बोले थे, हमने बोला एक चार नहीं, हम मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। हमने अगले सत्र से जो दो महीने बाद शुरू होने जा रहा है एकेडमिक सेशन से, फर्स्ट क्लास पे इंग्लिश भी शुरुआत कर दी, और जो ड्रेस चुनने की जो हमने ड्रेस चुनने की जो पावर है वो भी हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल को दी। और अब हम जब तक टीचर नहीं आता है तो पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, वो मेरिट बेस पर होगा और वो सिर्फ तब तक होगा जब तक वहाँ टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती। अब टीचरों की जो नियुक्ति होनी है उसको हमने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी से उनकी कमीशन के थ्रू उनकी नियुक्ति करें। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रदेश 17वें स्थान पर पहुंच गया दूसरे स्थान से इनके समय में, उस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लाए, जैसे कि सेंट्रल स्कूल में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है। कॉलेज में सिर्फ वही व्यक्ति लगेगा जो नेट सेट क्वालिफाई होगा, JRF होगा, ओनली पीरियड पर, कोई भर्ती ऐसे नहीं होगी। भर्तियां सारी कमीशन के थ्रू होगी, लेकिन जहां स्कूल खाली है एकदम भर्ती नहीं हो सकती, वहां पीरियड बेस्ड पॉलिसी लाए। तो हम नई योजनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।